समय है कम, बर्निंग इशू है, वरना हमारी हालत ऐसी हो जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसको लेकर, गवर्नमेंट हाइक्स जीएसटी फॉर हाउस होल्ड आइटम्स। आप लोगों ने शायद ये न्यूज पढ़ी भी होगी और आपने देखी भी होगी, टीवी पर ये न्यूज आई थी, है ना। तो जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं यहाँ पर जीएसटी के बारे में जो आपको बताने जाऊंगा ना, वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूज पेपर होगा, केवल न्यूज पेपर के पर्पज से होगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्पज से नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के पर्पज से जाओगे तो फिर तो क्लास बहुत लंबी बनेगी अपनी, है ना। लेकिन ये कि जितनी भी बात होंगी ना, अपन इन शॉर्ट कवर ऐसे करेंगे कि जीएसटी हमें समझ आ जाए, बस इतना, ठीक है। तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट हाइक्स जीएसटी। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी इट इज गब्बर सिंह टैक्स, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू गर्ल इट इज गर्ल सेल्फी टैक्स। चलो खैर, लेकिन हमारे लिए तो क्या है, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप देखो यहाँ पे लिखे नाइव्स, चाकू, जिससे मर्डर कभी कभी हो जाता है, वो प्याज और आलू काटने वाला चाकू, ये चाकू, चम्मच, स्पून, फॉर्क्स, है ना, इन सबको क्या 12 से 18% के स्लैब में लाया गया है ना। एलईडी लैंप्स, लाइट्स, इन सभी को कहाँ से 12 से 18 में लाया गया। और ये सारे वो हाउस होल्ड आइटम्स है जिनका नॉर्मली आप अपने डे टू डे घर में क्या करते हो, यूज करते हो। अब सोचो अगर ये सभी महंगे हो जाएंगे, 12% का स्लैब छोड़ के, 18 या 5% का स्लैब छोड़ के 12% में आ जाएंगे, तो फिर आपको चीज महंगी मिलेगी नहीं मिलेगी बाजार में जाके, है ना। तो वही बात अपन यहाँ पे देखने जा रहे हैं। आवश्यकता खैर पड़ती रहती, महंगा करने की जरूरी भी है ना। चलिए, मैंने एक न्यूज यहाँ से ये भी निकाली है, क्या है, जीएसटी आइक्स फॉर पंप सेट्स। जो ये पंप सेट्स हैं ये कहाँ यूज किए जाते हैं, एग्रीकल्चर में, है ना, पानी को निकालने के लिए, है ना, फॉर द इरीगेशन। अब अगर मान लो ये पंप सेट्स महंगे हो जाएंगे तो जो किसान है, जो फार्मर है, अगर बाजार से पंप सेट खरीद के लाएगा तो उसे महंगा पड़ेगा, सीधी बात है। जो पानी वो निकालेगा, है ना, वो पानी निकालने से महंगा पड़ना ही पड़ने वाला। तो जो भी वीट, राइस, पल्सेस, जो भी प्रोड्यूस करेगा, ऑटोमेटिक वो सब चीजें भी क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, है ना। ये मतलब कहीं ना कहीं कुल मिला के जो वो बोझ है वो आपके और मेरी जेब, यानी कि आम आदमी पे ही पड़ने वाला है। इसकी हिंदी न्यूज कटिंग भी मैंने यहाँ पर निकाल दी थी, किससे, दैनिक जागरण से, हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कैसीनो और हॉर्स रेस पे फैसला नहीं हो पाया है। कैसीनो माने क्या है, कैसीनो माने क्या है, कैसीनो जहां पर, अरे आपने वो देखी 36 चाइना टाउन मूवी देखी है, जिसमें जॉनी लीवर जाता है कैसीनो में जो ना जुआ खेलने के लिए, वही वाला कैसीनो। उस पर क्या अभी कोई चर्चा नहीं भाई, क्यों, क्योंकि कैसीनो के मालिक क्या है, कहीं ना कहीं वो प्रभावशाली लोग ही हैं जो क्या है, गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, इसीलिए, है ना। और हॉर्स रेस भी, रेस टू मूवी, चलें खैर, हमको इनसे क्या लेने देना, हम तो जीएसटी की यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्योंकि हमको इतना समझ में आ गया कि जीएसटी बढ़ा दिया गया पर्टिकुलर हाउस होल्ड आइटम पर, तो आने वाले टाइम में महंगाई क्या है, बढ़ने ही वाली है ना, बस। चलिए, तो पहली बात तो ये, कुछ हम बात देखते हैं यहाँ पर, वो क्या कि सरकार का जो चेहरा है जीएसटी लाने का, तो कैसा हो रहा है, कुछ कुछ ऐसा हो रहा है अपने प्यारे संतरे के जैसा, ठीक है ना। और जीएसटी का जब 12 बढ़ाया जाता है तो हमारा चेहरा कुछ कुछ ऐसा हो जाता है, क्या समझ में आई, कानी काट दिया पकड़ के, कभी भी खजैक। चलिए खैर, आगे बढ़ते, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम एक न्यूज क्लिप देखेंगे, ध्यान से ये न्यूज क्लिप आपको सुनना है, ये महिला क्या बोल रही है ना, ये मत सुने कि विमल पानकुट का चबा रही है, वो थोड़ा मुंह ऐसा बना हुआ है। चलिए तो सुनिएगा ध्यान से। Council has also taken a number of decisions which are aimed at easing the compliance burden on taxpayers. In addition, the council has accepted the interim report of the group of ministers on rate rationalization. Timsey is standing by with the latest. Timsey, so accepting the report on rate rationalization, take us through the key decisions of the council so far. Well, as you said, it's a big development. As we speak, the GST Council was deliberating on the GOM's interim report on rate rationalization, and the entire report has been accepted in totality. So that's a big development coming in. And some of the, you know, key changes that have been proposed in the GOM's interim report includes correction of inverted duty structure when it comes to, say, ITC refund on account of inverted rates be allowed for edible oils. Again, inverted duty correction on printing, writing, drawing ink from 12% to 18%. Correction of inverted duty structure on LED lights, fixtures, LED lamps from 12% to 18%. For solar water heaters, again, a correction from 5% to 12%. Correction on finished leather and composition leather
from 5% to 12%. Again, on works contracts applied to government from 5% to 12% has been accepted to be corrected. Correction of inverted duty on tailoring and other job works for textiles from 5% to 12%, that has been accepted. Also, to withdraw exemptions on packaged curd, lassi, buttermilk, puffed rice, flattened rice, parched rice, papad, paneer, honey, food grains, cereals, jaggery, and certain vegetables has been withdrawn. Also, when it comes to the GOM's view to revise GST exemptions and refit the commodities based on their suitable rates, such as, say, for unroasted coffee beans, wheat bran, de-oiled rice bran at 5%. Also, GOM proposed to withdraw exemptions from checkbooks and loose checks and to be taxed at 18%. So that has been accepted. Withdrawal of exemption of for e-waste from 5%, and that has now been hiked at 18%. Again, withdrawal of exemption for reduced rate from 5% to goods related to petroleum and coal bed methane. So that has been withdrawn. A lot of other withdrawals also, such as exempted insurance schemes, business class travel from northeastern airports, services provided by RBI, SEBI, FSSAI, GSTN, IRDA. Hotel accommodation is important, will now be charged at one rate of 12%. Earlier, below 1,000 rupees per day tariff was taxed at an exemption, so that has been withdrawn. Again, hospital rooms where, except ICU, where daily rent is 5,000 rupees and above, that will be now taxed at 5%. Hassan, wait, don't go ITC. Cord blood banks have been withdrawn. So a lot of changes have been accepted, all proposed by the GOM when it comes to their interim report. More time has been given to the GOM when it comes to rate slabs. Discussions are yet to happen, so that time has been given to the GOM. Okay. बता रहे हैं, एक मिनट आपको बताने से पहले क्रेडिट दे दें CNBC TV 18 और ट्विटर को, नहीं तो पता पड़ा वीडियो प्राइवेट कर दिया जाए। चलें आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे कि रेट्स हाइक क्यों किए जाते हैं? सीधी बात है, टैक्स का कलेक्शन क्या है, गवर्नमेंट का उसमें कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, इसलिए जो टैक्स रेट है वो हाई किए जा रहे हैं। और गवर्नमेंट को यह पता है कि हम टैक्स रेट केवल उन्हीं आइटम्स पर हाई कर सकते हैं जिनकी डिमांड बाजार में क्या है, ज़्यादा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या हो, टैक्स कलेक्शन हो। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा, सीधी बात है, तभी तो उसे इंफ्रा में खर्च कर पाएगी ना वो। ये सड़कें कैसे बन रही हैं, जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो सब कैसे बनेंगे, जितनी भी आपकी स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स, पेंशन वगैरह है ना, हेल्थ केयर जो सरकार की तरफ से अवेलेबल करवाए जाते हैं आपको, वो सब कैसे पूरे होंगे, वो खर्चे वो टैक्स के माध्यम से ही पूरे होंगे। आपको पता होगा जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ा करते थे उस ब्रांच पर, तो मैंने आपको 5 तरीके बताए थे ना टैक्स कलेक्ट करने के, कौन कौन से 5 तरीके थे वो, और स्टीलिंग, रातों रात नया टैक्स लगा देना, और भी कोई था है? मतलब 4-5 प्रकार आपने बता दिए ना, मतलब कुल मिला के जो पूरा काम चल रहा है वो किस पे चल रहा है, टैक्स के कलेक्शन को लेके चल रहा है। सरकार को ये लग रहा है, गवर्नमेंट को समय ये लग रहा है कि हमारे पास टैक्स क्या आ रहा है, कम आ रहा है। टैक्स कम आ रहा है से बढ़ाने के लिए हम क्या करें, जो हमारा GST का स्लैब है उसके भीतर जो प्रोडक्ट्स आते हैं इनका जो क्या कहते हैं जो स्लैब है वो चेंज किए देते, इससे क्या होगा, टैक्स हमारे पास ज़्यादा आने लगेगा। दिक्कत यहाँ पर क्या होगा, ये जो ये अभी आप न्यूज़ देख रहे हो, इस न्यूज़ में दिक्कत ये होगी कि यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर हाउस होल्ड आइटम्स आ गए जो आप और मेरे जैसे जो आम इंसान है यूज़ करते हैं, दिक्कत ही हो गई यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं बच के भैया बैजी शकल अच्छी नहीं है और ये पड़ जाए तो है ना, मैं आपसे क्या बोल रहा था, हाँ, तो गवर्नमेंट की मजबूरी है कि उन्हें ये करना पड़ेगा, लेकिन क्या दिक्कत, ये जो पूरा भार है वो हमारी जेब पे आने वाला है, एक कॉमन मैन के ऊपर आने वाला है ये वाला भार है ना, तो कहीं ना कहीं फिर इसको लेकर विरोध भी होगा, आप देखना है ना। और जब विरोध होगा तो फिर क्या इसे कम किया जाएगा है ना, तो पहले एक काम करो, क्या महंगे पे ले आओ, जब विरोध हो, ज़्यादा दिक्कत हो तो थोड़ा कम कर दो, कहने को जाएगा कि हाँ देखो हमने महंगाई कम कर दी। चलो खैर, महंगाई कम कर दी उससे लेना देना नहीं है, हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, मोटिव हमारा स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या स्टूडेंट्स हैं है ना, हम लोग क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने वाले हैं, तो हमको तो क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी को सही मान के ही चलना है, ठीक है। और सही बात क्या है, सही बात ये, गवर्नमेंट के पास में टैक्स का कलेक्शन हो रहा है कम, उसे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को स्लैब्स करने पड़ रहे हैं चेंज, जिससे टैक्स का कलेक्शन क्या हो, ज्यादा हो, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर है ना, रोड्स, ब्रिजेस, कॉलेजेस, स्कूल्स है ना, और जो वेलफेयर स्कीम है वहां पर जो पैसा लगता है वो खर्च करने के लिए जो राशि उपलब्ध हो पाए है ना। राशि माने क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी होता है ना, अमाउंट है ना,
एक क्या मीम चला था व्हाट्सएप पर, जो बैंक का वो था, बैंक स्लिप है ना जिसमें अपन वो अमाउंट भरते हैं अपना कि आप कितना पैसा जमा करने वाले हो, तो वहां पे लगा था राशि, तो राशि में लगे तुला राशि और जमा कर दिया। चलो अब थोड़ा देखो हम इसका क्या देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे इसकी। उससे पहले हम देखें जो ये क्या एक प्रकार का बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म है, जो किस आर्टिकल के तहत आया, 279A के तहत, 279A उसमें ही 1 आएगा है ना, और आगे हम देखें 4, क्योंकि जीएसटी को क्या देखने के लिए इसके जो टैक्स रेट के स्लैब चेंज होते हैं ना उसके लिए एक जीएसटी काउंसिल होती है, उसी की तो मीटिंग चल रही ना, कौन से नंबर की मीटिंग चल रही थी वहां न्यूज में देखा था, 47 नंबर की मीटिंग थी, कहां पे चल रही थी, चंडीगढ़ में है ना ये। चलिए लॉन्च ऑन द मिडनाइट ऑफ June 30, 2017, बाकी 1 July 2017 से ये क्या हो गया था पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया बोल रहा हूं, पूरे भारत में, अब क्या कर रहे हैं डंग का तो पूरी दुनिया में बसता है ना, इसीलिए 122nd अमेंडमेंट बिल के तहत जो कब आया था 2014 में ये पास होना शुरू हुआ। लेकिन हम तो क्या सुनते हैं 101, वो क्या चीज है फिर, वो एक्ट है ना, तो बिल तो बहुत सारे आते रहते हैं ठीक है ना, बिल बहुत सारे आते रहते हैं, अगर आप टाइम पे भर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भरोगे टाइम पे तो फिर एक एक्ट आ जाएगा आपको गिरफ्तार करने वाला। तो बिल बहुत सारे आते हैं, एक्ट केवल एक ही होता है, एक्ट माने क्या है, जो आपकी आपकी जो पार्लियामेंट है यदि वो बिल को पास कर दे दोनों हाउस में, दोनों हाउसेज में, कौन सा आपका लोअर हाउस भी और अपर हाउस भी, तो फिर वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल वही चीज, ये तो आपने पढ़ लिया होगा है ना। चलो फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय विच स्टेट, SM, और सबसे लास्ट में किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया था ये GST, जम्मू कश्मीर के द्वारा ठीक है ना। अब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने 2017 में यदि मान लो इस GST को एक्सेप्ट कर लिया, मींस व्हाट, ये क्लियर है कि पाकिस्तान जो फालतू की बात करता और चाइना जो फालतू की बात करता वो क्या गलत है, जम्मू कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, दैट्स इट है ना। आप लोगों ने क्या कर रखा है यहां पर, इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है, वो आप यहां से हटिए खाली कीजिए, मतलब बात किसकी होगी अब, अक्षय चिन्ह की होगी या फिर POK की है ना, ना कि फुल जम्मू एंड कश्मीर की। अच्छा देखो एक हिस्ट्री देखते हैं हम यहां पर, ये है 15, मतलब हालांकि ये जो बात है 14 अगस्त के टाइम के आते हैं, मतलब मिडनाइट की बात चली 14-15 अगस्त रात के टाइम का, तो 15 अगस्त 1947 को एक हिस्टोरिक स्पीच आई थी नेहरू की, इसमें क्या बोला था, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मतलब एक कोई जो ना क्या कहते हैं एक गोपनीय समझौता कर लेना किस्मत के साथ है ना, जिसमें कि आगे चल के हमारा कोई भाग्य बन सकता है बदल सकता है ना, ये चीज जैसे मान लो काला कलूटा आदमी है वो बाजार में निकला, गरीब भी है वो ठीक है, और उसे एक सुंदर सी लड़की मिल जाए गोरी चिट्टी बढ़िया, वो पैसे वाली भी हो और वो तैयार हो जाए शादी करने के लिए, तो वो क्या बोलेगा, ये वायर में तो किस्मत खुल गई, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे गोरी महिला भी मिल गई और पैसे वाली भी मिल गई, मतलब घर जमाई बनकर रहूंगा बड़े आराम से। चलिए ये स्पीच दी गई थी है ना, फ्रॉम राज टू स्वराज, इंडियाज ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। फिर 15 अगस्त 1972 को सिल्वर जुबली ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया गया है ना। अब देखो ध्यान सुनना, ये मैं यहां पर लेकर क्या हूं, मैं आपको बता रहा हूं 1947 से कब तक, 1972 के बीच में एक पीरियड आएगा, कौन सा, 1964 वाला, कौन सा 1964 वाला, इसलिए ये स्टेटमेंट मैं यहां पर लेकर आया, वो 1964 अभी अपन आगे देखने वाले हैं। फिर क्या है, 9 अगस्त 1992 को क्या 50th anniversary ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट मनाया गया था। अच्छा इसी साल 6 December 1992 को कुछ हुआ था क्या, अरे इस साल 1992 है, इस साल December 1992 में कुछ बाबरी वाबरी हुआ था क्या, के 1991 में हुआ था बाबरी, क्या बात है। लेकिन मैं तो इस साल पूछ रहा हूं, यहां तो मैं सेकंड क्लास में था, हाँ सेकंड क्लास में थे, थर्ड क्लास में, वरना थर्ड क्लास आदमी बन के रह जाते और क्या, 93 में थर्ड क्लास में है, 94 में फिफ्थ क्लास में है, सॉरी फोर्थ में है, नहीं यार 90 या थर्ड क्लास में था यार मैं यहाँ पर, या मैं थर्ड क्लास आदमी था यार 92 में, सही बोल रहे हो, 93 में फोर्थ है, 94 में फिफ्थ क्लास है ठीक है। चलिए और फिर क्या, 15 अगस्त ये 1995 ये कब है, गोल्डन जुबली ऑफ इंडिपेंडेंस, तो सीधी बात है जब गोल्डन जुबली की बात आ रही है तो ये कौन से ईयर में होगा, यानी 1997 में होगा ना। इसके बाद में आपको एक महान व्यक्ति दिखने वाले हैं, कौन, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्हीं का विजन है जो भी कुछ है जीएसटी को लेकर, वो आगे देखने वाले। तो देखो आप ये दो बातें ध्यान रखना, कौन सी, एक तो 1964
और 1979 के सॉरी 1997 के बाद वाला, इसलिए मैं यहाँ पर ये हिस्ट्री लेकर आया आपके सामने। चलिए इसे हम थोड़ा बार बार थोड़ा खोल के देखते जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो हम न्यूज़ देख रहे हैं जीएसटी वाली, वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर देख रहे हैं, है ना। ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे क्योंकि हमको क्या ईजी लैंग्वेज में इसको समझना है, वरना आप समझ ही नहीं पाओगे। और मान लो हम थोड़ा वैसे हार्ड लैंग्वेज में चले गए, नहीं तो फिर क्या मेरी बेइज्जती हो जाएगी फरवरी की तरह। चलो यहाँ आते, टैक्सेशन इन इंडिया हम देखते हैं। इंडिया में क्या दो प्रकार के टैक्स लगते थे, कौन से? डायरेक्ट टैक्स लगते थे, नहीं लगते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि एग्जांपल इनकम टैक्स और रोड टैक्स। चलो चलो देखते, इनकम टैक्स ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, प्रॉपर्टी तो वहां पे पहुंचेगा आपके, कहां पे? इनडायरेक्ट टैक्स में पहुंचेगा, है ना। कॉरपोरेशन वगैरह आ जाएंगे, कॉरपोरेशन टैक्स वगैरह भी इसमें आ जाएंगे, है ना। चलिए इनडायरेक्ट टैक्स में अपना क्या है, गुड्स एंड सर्विस। देखो इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो क्या कंजम्पशन यानी गुड्स एंड सर्विस पर लग रहे हैं। यहां पर आप क्या करने जा रहे हो, कंजम्पशन ही तो करने जा रहे हो ना। और यहां पर आप क्या कर रहे थे, इनकम कर रहे थे। मतलब जब आप इनकम कर रहे होते हो तो टैक्स कौन सा लग रहा होता है, डायरेक्ट। लेकिन जब आप कंजम्पशन कर रहे होते तो फिर आप पे कौन सा लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर इसकी ये टाइप्स है, प्रॉपर्टी टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्सेस ऑन एसेट्स वगैरह, कमर्शियल ड्यूटी टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सरचार्जेस, सर्विस टैक्स, है ना, फलाना डैम का ऑक्ट्रॉय। अच्छा ऑक्ट्रॉय पता है क्या होता है, ऑक्ट्रॉय एक प्रकार का वो लोकल टैक्स होता है जो हम किसको पे करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। जैसे ग्वालियर का नगर निगम नहीं है, इसको जो देते हम जल कर, है ना, वही वो ऑक्ट्रॉय में आ जाता है ना ये चीज। या फिर आप बोलो उसको जैसे हमारे ग्वालियर में यदि मान लो कोई दूसरे स्टेट का ट्रक एंट्री मारता है तो जो टोल जो पे करता है वो, है ना, धर्मकांटा नहीं बना होता वहां गोले के मंदिर पे, वहां पे जो टैक्स पे करेगा वो ऑक्ट्रॉय कहलाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, क्या धर्मकांटा क्या कह रहे हो, हाँ धर्मकांटे पे जानते हो क्या होता है, वहां पर जो ट्रक आते हैं ना दूसरे स्टेट से, उनका वेट लिया जाता है ना, और फिर कलेक्टर के पास उसका कट पहुंचा दिया जाता है ना। और जो ओवरलोडेड ट्रक होता है वो ओवरलोडेड ट्रक शहर में एंटर कर दिया जाता है ना, ताकि सड़कें अच्छी खुद जाएं और जो उनके कॉन्ट्रैक्टर को दोबारा से ठेके दे दिए जाएं सड़क बनाने के लिए। चलिए अब देखो पर्पस हम देखते हैं, जीएसटी का पर्पस क्या है, ये पर्पस हम देखने जा रहे हैं। हमने क्या देखा था पीछे, इनडायरेक्ट टैक्स। आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स जो थे ना वहां पर कितने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। अब उन इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए यदि मान लो हम बहुत सारा सिस्टम बनाएंगे, गवर्नमेंट बहुत सारा सिस्टम बनाएगी, सीधी बात है गवर्नमेंट क्या बहुत सारे लोगों को नियुक्त भी करेगी, उसके लिए अपॉइंट भी करेगी, और वो लोग क्या काम भी करेंगे उन टैक्सों का कलेक्शन करने के लिए। तो सरकार ने क्या करा कि भाई एक काम करो, ये 17-18 प्रकार के जो ये इनडायरेक्ट टैक्स है इनको बंद करके हम क्या करते हैं, सिंगल सिस्टम ले आते हैं जिसके भीतर ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सब्ज्यूम हो जाएंगे, है ना, इसी के भीतर आ जाएंगे ये चीज। तो देखो यहां क्या बोला जा रहा है, मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस टू ब्रिंग अंडर सिंगल टैक्सेशन सिस्टम, यही जीएसटी का क्या है पर्पस है। अभी आगे देखें हम उसको समझेंगे कैसे, लेकिन कुछ बात है बस यहां देख लेते हैं। अब ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि आपको मालूम है 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे जितने भी विभिन्न प्रकार के जो मिनिस्ट्रियां बनी उसमें एक फाइनेंस मिनिस्ट्री भी थी, ठीक है के नहीं। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कौन आता है, इसका हेड कौन होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जैसे वर्तमान में फाइनेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इसकी हेड कौन है, सॉरी निर्मला सीतारमण, ओके ठीक है। इसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर हाँ एक सेक्रेटरी भी होता है जो आईएएस लेवल का होता है, ध्यान रखना आप लोग। इसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक फाइनेंस सेक्रेटरी भी होता है जो किस लेवल का होता है, आईएएस। हालांकि हम लोग जानते हो क्या सोचते हैं कि जब क्या फाइनेंस वाली बात आती है हम आईआरएस को लेकर आएंगे, हम केजरीवाल को लेकर आएंगे, लेकिन हर जगह केजरीवाल नहीं आएगा, कहीं कहीं अशोक खेमका भी आएगा। इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कौन आ गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये 1964 में बना था, पीछे बताया था मैंने आपको 64 वाला बात, इसीलिए उसको मैंने आपको वहां पे बोला 1964। तो 1964 के टाइम पे क्या बनाया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि क्या 1947 में जब देश आजाद हुआ उस टाइम पे क्या पूरा भार इन्होंने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन क्या काम धीरे धीरे बढ़ता चला गया तो दिक्कतें आने लगी। तो फिर सीधी बात क्या है, अपना काम बांटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया या तो कोई बोर्ड बनाना पड़ेगा और नए लोगों को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि काम क्या ईजी हो जाए। जैसे इसी कोचिंग का एग्जांपल ले लें, पहले कुलदीप सर कोचिंग को देखते थे, फिर संजीव सर आ गए, फिर और लोग आ गए, आते आते क्या हो गया अब काम बट गया ना, तो काम में क्या गई महारत आ गई सभी के, है कि नहीं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के महारत ही हैं और वो आपको क्या अच्छा बता पाएंगे, वरना मान लो एक ही व्यक्ति बताने के लिए तो क्या पता वो कहीं ना कहीं कमी छोड़ दे और पूरा ना बता पाए। ये तो ये कब बना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1964, है ना। इसके तहत क्या है, हाँ इसमें जो होता है कौन होता है, रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है, इसका हेड कौन होता है, रेवेन्यू सेक्रेटरी, जो किस लेवल को होता है,
IAS लेवल का होता है, ठीक है। इसके भीतर दो चीज आने वाली, वो दो चीज कौन सी है, CBDT और CBEC। कौन कौन? CBDT और CBEC। CBDT क्या है? सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, और CBEC क्या है? सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम्स। क्या है? सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम्स। ये अच्छा, मैं यहां पर एक चीज जो आपको बोला, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, उल्टा नहीं, थोड़ा सा गलत गड़बड़ी हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना दिया गया था, ये काम दिख रहा था सारा का सारा, लेकिन इसमें क्या आ गया, पूरा भार आ गया, ठीक है ना। तो इसके भार को बांटने के लिए क्या कर दिया गया, 1964 में ये दो ब्रांचेस बना दी गई है, सब ब्रांचेस। कौन कौन सी? CBDT और CBEC, है ना, ये था चीज। चलिए CBDT फुल क्या शरद, और CBEC एक्साइज एंड कस्टम्स। चलिए बिल्कुल, इसके हेड कौन होता है CBDT और CBEC के? चेयरमैन स्पेशल सेक्रेटरी IRS CBDT का, और CBEC का भी कौन होगा? चेयरमैन और स्पेशल सेक्रेटरी IRS, जो IRS लेवल का होगा। मतलब यहां पे केजरीवाल अंकल आएंगे, बाकी यहां ऊपर कौन थे? अशोक खेमका, ऐसा हम समझ सकते हैं। यहां कौन थे? अशोक खेमका। तो काम बहुत ज्यादा अशोक खेमका पे बढ़ गया, तो उन्होंने क्या करा, दो अलग ब्रांचेस बना दी, वहां पे का दो केजरीवाल को लेकर आ गए झाड़ू लेकर। चलो कौन? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मैं क्या ये बोल गया ना आपसे कि 64 में ये अलग से बनाया गया, ये इसके साथ ही बन गया था। 64 में ये दो ब्रांच अलग निकाली गई थी, ठीक है। ये चले क्योंकि भार बहुत ज्यादा हो गया था ना, इसीलिए। फिर क्या हम ये देखते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो सीधी बात, इसके नाम में ही क्लियर हो रहा है ये किस प्रकार के टैक्स का कलेक्शन करने वाला है, डायरेक्ट टैक्स। और जो CBEC, ये किस प्रकार का टैक्स कलेक्शन करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स। GST किस प्रकार का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है ना। तो सीधी बात है, GST में ये तो होगा ही नहीं, कौन होगा? ये CBEC होगा। तो सीधी बात है, GST काउंसिल जो आप देखोगे ना, उस GST काउंसिल में आपको हमेशा कौन दिखेगा, CBEC दिखेगा, है ना। ये कहेंगे CBIC बोल देते बोले उसको, लेकिन CBEC इज द परफेक्ट। चलो हाँ, और इन दोनों का जो चेयरमैन रहेगा, जो स्पेशल सेक्रेटरी जो रहेगा, वो किस रैंक का होगा, IRS रैंक का होगा, ठीक है। अच्छा खासा पैसा होता है उसके पास में। ये एक टिपिकल बिल निकाल कर मैं आपके लिए लाया हूं, पहले क्या, जब GST नया नया आया था, है ना, तो इस बिल के भीतर देखो लिखा था, जैसे आप पहुंचे केसर पिस्ता पाव भाजी खाने के लिए, ठीक है ना। टोटल बिल आपको बना कितना, 140। अब इस 140 पे क्या लगने वाला है, GST लगने वाला। तो यहां पे लिखा ना GST 18%, क्योंकि आप क्या है, ये वो आइटम तो है नहीं है जो हम घर में नॉर्मली खाते हैं, है ना। ये तो क्या है, लग्जरियस लाइफ को दिखा रहे ना ये वाले आइटम, तो इसलिए इन पे कौन सा टैक्स लग रहा है, 18% लग रहा है। यहां पे लगा SGST, दिख रहा है SGST, और ये CGST। देखो 18 + 9 + 9 टोटल कितना हो गया, तो 36% टैक्स देंगे हम लोग। 18 + 9 + 9 कितना होगा टोटल, 9 + 9। बिल्कुल, ये 9 + 9 18 है, ये इसी का टोटल है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, जब शुरू शुरू में बिल में क्या GST भी लिखा रहता था, और फिर नीचे ये दो चीजें लिखी रहती थी, तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि यार हम GST भी 18% दे रहे हैं, फिर हम SGST भी दे रहे हैं, हम लोग CGST भी दे रहे हैं। तो अब जो बिल आता है ना, वर्तमान जो आपको बिल मिलता है, वहां पर क्या ये GST नहीं लिखा रहता, ये वहां से ओमिट हो चुका है, केवल डायरेक्ट वहां पे SGST और CGST लिखा मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मान लो गवर्नमेंट ने एक GST रेट डिसाइड करा, 10% का, मान लो जो आपकी केसर पिस्ता कुल्फी है उस पर 10% का क्या डिसाइड किया गया, GST। तो उस 10% में से 5% कौन रखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी 5% कौन रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट। क्या वो सोम्या कुछ दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही से बोल ना, आ रहा है ना, नहीं तो पता पड़ा मैं फालतू भौंक रहा हूँ, और आप समझने की कोशिश करना है हमें यहाँ पर, है ना। इसलिए मैंने क्या बोला कि मुझे सब्जेक्ट में नहीं जाना, मुझे आपको ऊपर का व्यू देना है GST का, कि आप वो समझो GST कहने का चाह रहा आपसे, बस और कुछ नहीं। चलिए अब हम इसकी देखते हैं क्रोनोलॉजी। तो अमित शाह आ गए यहाँ पर अपनी क्रोनोलॉजी बताने के लिए, तो हम पहले क्रोनोलॉजी देखते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1999 मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी से। मैंने बताया था वहाँ पीछे कि 1997 के बाद में एक डेट कौन सी थी, 1964, और एक कौन सी थी, 1997 के बाद। तो 1997 के बाद में इंडिया में किसकी गवर्नमेंट आ गई थी, NDA की गवर्नमेंट आ गई थी, और प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये इन्हीं के दिमाग की उपस्थिति कौन, GST, है ना। क्योंकि इनको ये दिख रहा था कि जो बिजनेसमैन है, लोग हैं, कितना परेशान हो रहा है इन इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से। एक काम करो, जो ये 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इसकी जगह एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम लेकर आ जाओ, तो हेडेक ही खत्म हो जाएगी, ना देने वाला परेशान होगा, ना कलेक्ट करने वाला परेशान होगा, ठीक। ये इनके दिमाग की उपस्थिति। इन्होंने उस टाइम पर अपने साथ, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है,
इन्होंने सन 2000 में यानी कि अगले साल ही अपने साथ में किस व्यक्ति को लेकर आए, असीम दास गुप्ता। ये नाम याद रखिएगा आप लोग, असीम दास गुप्ता, ठीक है ना। जीएसटी का जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया, फ्रेम किया गया है ना, वो स्लैब बना 0%, 5%, 12%, 18% या 28%, है ना, जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा डिजाइन कर दिया गया था, मतलब इन्होंने 80% काम कर दिया था। जीएसटी का जो पूरा पूरा सिस्टम बनना था, ढांचा बनना था, ऑर्गेनाइजेशन बनना था, उस पर 80% काम किसने कर दिया था, असीम दास गुप्ता ने, है ना। ये रहे असीम दास गुप्ता, इनके द्वारा ये काम कर दिया गया था। अब क्या हुआ, अब जब आते हैं कहां पर, 2004 में, है ना, 80% काम हो चुका था पूरा, मतलब सीधी बात है जीएसटी का 2005 में आ जाता हमारे यहाँ पर, सॉरी 2004 में आ जाता हमारे यहाँ पर अगर बीजेपी गवर्नमेंट जीत जाती, लेकिन बीजेपी जीत नहीं पाई क्योंकि महंगाई उस समय काफी बढ़ गई थी ना। ये हुआ था सिलेंडर 180 से 360 कुछ इस टाइप का हो गया था, कि 180 हो गया था क्या, जो भी कुछ उतना मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं देता था। अब क्या करें, है तो है, ठीक है ना, लेकिन अपन ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में तो अच्छा ही हो, है ना, या फिर ये कि आप खुद जो ना कमाने के लिए ज्यादा आगे बढ़ो, मतलब और ज्यादा कमाओ और मेहनत करो, ये चीज। तो 2004 में कौन आ गए, मिस्टर मनमोहन सिंह, है ना, जो बिल्कुल शांत रहते थे मनमोहन सिंह, लेकिन शांत भले ही रहते थे, लेकिन आप देखना इनकी दरिया दिली, इन्होंने वापस से क्या करा, इसी व्यक्ति को यहाँ पे अपॉइंट करा, और ये व्यक्ति इनके यहाँ कब तक काम करता रहा, 2011 तक, कब तक, 2011, क्योंकि इनको ये बात अच्छे से पता थी। आप देखो 1991 में इनका विजन देखो, ये एलपीजी लेकर आए तो देश को इन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा लिया, और इनको पता था कि 2004 में क्या मैं बन चुका हूँ, यानी सोनिया गांधी ने इनको बना दिया कुल मिला के ये, लेकिन इनको पता था कि 80% काम जीएसटी पे ये व्यक्ति कर चुका है, तो नया व्यक्ति लाने का कोई सेंस नहीं है, फालतू खर्चा होगा, एक काम करो इसी व्यक्ति को वापस अपने साथ में ले लो। 6-7 साल काम किया गया, लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, वही कुछ मतभेद आ गए होंगे इस चक्कर में, क्योंकि आपको पता है इनके टाइम में क्या था, 2011 में कितनी महंगाई बढ़ गई थी इसी चक्कर में, है ना। और आपको पता हो उसी टाइम पे नरेंद्र मोदी जी की स्पीच में बोलते भी थे कि जीएसटी से देश का भला नहीं होने वाला, उन्होंने भी स्पीच में बोला था उस टाइम पे गुजरात कैंपेन में कि जीएसटी से देश का भला नहीं होने वाला, है ना। आधार कार्ड क्या है, लोगों के लिए दिक्कत वाली चीज़ है, इनको हम खत्म करेंगे, हम आने नहीं देंगे, है ना। लेकिन क्या हुआ, आज की डेट में हर चीज़ आधार से जोड़ दी गई है ना, बैंक अकाउंट तो छोड़ो, हर चीज़ जोड़ दी गई है, हर चीज़। चलो खैर वो सही भी होना, क्योंकि उससे लीकेज भी रुके, इसीलिए हर चीज़ के अपने यदि फायदे तो नुकसान होते, तो नुकसान की अपन लोग क्या नुकसान नुकसान देखते हैं, फायदे अपन देखते नहीं है, तो फायदे आप देखो लीकेज रुक गया काफ़ी हद तक। हाँ ये बात सही है कि बहुत से जो क्या कहते हैं काबिल लोग, काबिल नहीं बोलेंगे मतलब कि जो पात्र लोग हैं उन्हें चीज़ मिल नहीं पा रही, वो बात मानते हैं अपन। चलिए इन्होंने कर दिया रिजाइन, कि इन्होंने 2011 में असीम गुप्ता ने, असीम दास गुप्ता है ये, गुप्ता नहीं है, ओके असीम दास गुप्ता है, इन्होंने कर दिया रिजाइन। तो 2011 में अपने हाथ में, हाँ असीम दास गुप्ता फोटो के ना, ये 11 में किसको अपने हाथ में लेकर आ गए, केएम मनी, ये रहे वो केएम मनी। फिर बाकी काम इन्होंने करना शुरू करा किस पर, जीएसटी पर, लेकिन अभी क्या थोड़ा बहुत बचा रह गया था, है ना। और इत्तफाक से 2014 में कौन आ गया पावर में, एनडीए गवर्नमेंट, है ना। और चुनाव हारने के बाद भी फाइनेंस मिनिस्टर कौन बन गए, अरुण जेटली, ठीक है ना, बिल्कुल सही है ना, ये बन गए फाइनेंस मिनिस्टर। और इन्होंने अपने साथ में किसको लेकर आए, अमित मित्र को, तो अमित मित्र ये रहे, इनके साथ में मिलके अंततः सब कुछ सेटिंग कर करू के नहीं, कब जीएसटी को लॉन्च कर दिया, मिडनाइट 30 जून 2017, और सुबह 1 जुलाई 2017 से ये पूरे के पूरे भारत में क्या हो गया, अप्लाई हो गया, ठीक है ना, दुनिया में नहीं भारत में। तो ये जीएसटी के पीछे क्या है कहानी है, ये चीज़, ये क्रोनोलॉजी है जीएसटी के पीछे की। हालांकि जीएसटी की यदि आप बात करो, वर्ल्ड में जीएसटी पहली बार किस कंट्री में आया, तो वो कौन सी कंट्री थी, फ्रांस, 1954 में, है ना। लेकिन ये मॉडल किस देश से लिया गया है, जीएसटी वाला जो मॉडल है ये लिया गया कहाँ से, कनाडा से, कहाँ से, कनाडा से। फ्रांस तो आपने सही बताया 1954, लेकिन ये मॉडल कहाँ से एक्सेप्ट किया गया था, कनाडा से। लेकिन कनाडा में हुआ था, लगा आया, आया कि नहीं आया, लेकिन अब तो आ चुका है वहाँ पर, उस समय नहीं आया था, लेकिन सबसे पहले फ्रांस में आया था। चले आगे बढ़े थोड़ा सा, अब हम देखते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे भारत का मैप मैं लेकर आया हूँ आपको समझाने के लिए कि ये अप्लाई कैसे होता है। आप देखो ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे दिल्ली में क्या है, अपनी मेन सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है, फिर यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में अपनी खुद की क्या गवर्नमेंट बैठी हुई है, इसके अलावा स्टेट के साथ यहाँ पर क्या है, यूनियन टेरिटरी भी है, क्या क्या है, यूनियन टेरिटरी। तो हमको पता है कि जो यूनियन टेरिटरी जिसमें कौन सी, दिल्ली, चंडीगढ़ नहीं, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, ये वो यूटीज है ना जहाँ पर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर क्या, जिन यूटीज में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, मतलब सीधी बात है वहाँ पर क्या होने वाली है, कोई गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट जो गवर्न करेगी उस क्षेत्र को। बाकी बची यूटी है उनको कौन देख रहा है, बस, यानी यहाँ पर किसके माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से। इसीलिए अब देखना
यहां पर क्या चार प्रकार की चीज दिखेंगी। पहला ये क्या है, सीजीएसटी मींस फुल फॉर्म क्या इसका, सेंट्रल जीएसटी। फिर क्या है, स्टेट जीएसटी। फिर क्या है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। और फिर क्या है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो देखो ये जो दो है ना, ये तो खैर काफी तक समान ही है, आप मान के चलो सेम ही है, बस इतना फर्क कर दिया कि स्टेट वाली बात पे स्टेट आ गया और दिल्ली पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की बात आ गई तो यूटी आ गया। बस इनमें थोड़ा हमको क्या अंतर देखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। अब जैसे मान लो जो गवर्नमेंट है वो क्या डिसाइड करे, जीएसटी का रेट 10% मान लो डिसाइड करे, समझना यहां पर आप। मान लो एमपी, चूंकि हम तो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, यहां पर एक बड़ी सी फैक्ट्री लगी हुई है जो बहुत धुआं कर रही है, शर्ट बनाने की फैक्ट्री है ये। इस फैक्ट्री के अंदर जितनी भी शर्ट्स बनेंगी, ध्यान से सुनना ध्यान से, तभी समझ में आएगा जीएसटी आपको। इस फैक्ट्री के भीतर जितनी भी शर्ट्स बन रही हैं वो शर्ट्स यहां बनने के बाद में यदि मान लो केवल इस एमपी के बॉर्डर में क्या करें, बिके, इस एमपी के बॉर्डर में क्या हो, बिके, और उन पर जीएसटी कितना लग रहा है, 10%। तो उस 10% में से 5% कौन रखेगा अपने पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। हाँ चलो ठीक है, आपने पहले स्टेट बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बड़ा पहले को सम्मान दो ना अपन, है ना, दादाजी और पिताजी घर में तो अपन को दादाजी को सम्मान देना पड़ेगा, बाद में पिताजी, है ना। तो पहले 5% कौन रखेगा अपने साथ में, सेंट्रल, और बाकी का 5% कौन रखेगा, स्टेट। ठीक है, जब विद इन द स्टेट चल रहा है, यानी कि सीधी बात है आपको देखो ये तो मिल रहा है कौन, सीजीएसटी मिल रहा है, और यदि मान लो बिल में क्या है, स्टेट जीएसटी लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो वो बिजनेस है वो क्या चल रहा है, इंट्रा, यानी कि विद इन द स्टेट चल रहा है। हम क्या बोल रहे हैं उसको, इंट्रा स्टेट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इंट्रा स्टेट। लेकिन यदि मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि अब जो यहां पर जो आइटम बन रहा है, मतलब जो शर्ट्स बन रही है, वो क्या है, अगल बगल के जो बॉर्डर वाले अपने स्टेट हैं, जैसे कि मान लो कौन, यूपी है, छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है, ये बोले किन से, यहाँ के बिजनेसमैन से, यार आपकी जो शर्ट बन रही है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बन रही है, एक काम करो आप हमको भी दे दो, हमको भी बेच दो, तो हम भी पहन के देखें कैसे क्या लगता है। ऐसा होता है ना कि मान लो आपने 120 रुपये की शर्ट पहनी तो अलग फीलिंग आती है, और ये 12,000 की शर्ट पहनो तो अलग फीलिंग आती है, कुछ कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता है, महंगे कपड़े पहन के आता है कि नहीं आता बताओ, आता है ना, मेरे को तो खैर नहीं आता, मैं तो ठेले वाले के कपड़े पहन लेता हूँ उठा के। एक बार ऐसी क्या बहस चली थी, वो था क्या कहते हैं आपका, यही इससे संबंधित था, पार्टी से संबंधित, एक पार्टी से, नाम नहीं लूंगा मैं, तो मैंने एक टी शर्ट ली थी ठेले वाले से, है ना, 150 रुपीज़ की टी शर्ट थी, वो बढ़िया टी शर्ट थी, वो पहनी मैंने, तो उसे मुझसे पूछा गया तुम्हारी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, सोचो ठेले वाले टी शर्ट बोला तुम्हारी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है यार, कहाँ से लिया यार, मुझे भी लेना है। मैंने कहा यार ये बाड़े पे खड़ा है ना राज मार्केट के सामने ठेले वाला, इससे लिए मैंने, तो उसने मुझसे बोला अरे ठेला छाप आदमी निकले यार, मैं यार तुम्ही को अच्छी लग रही थी टी शर्ट ये, तो अब तुम बोला कि मैं ठेला छाप आदमी निकला है। फिर मैंने बोला देखो तुम जिस पार्टी को बिलोंग करते हो ना, उस पार्टी का मोटिव ही है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारत में जितने भी नागरिक हैं उनका क्या हो, भला हो, ये तुम्हारी पार्टी का मोटिव है। तो मैंने उसी मोटिव को फॉलो करके इस ठेले वाले से क्या किया, ये टी शर्ट खरीदी, जबकि उस पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं तब, लेकिन तुम तो उस पार्टी जुड़े हुए ही हो। तो मैंने कि मेरी तो क्या ये जो कपड़े ये ठेला छाप थे, लेकिन तुम्हारी तो सोच ठेला छाप निकली। चलिए खैर, नहीं ताली वाली नहीं, ये बात थी बता दी आपको चूंकि आई थी। अब देखो अगर मान लो राजस्थान को, यूपी को और छत्तीसगढ़ के लोगों को ये पसंद आने लगे हमारे एमपी की बनी हुई शर्ट, तो सीधी बात है जो शर्ट यहाँ बनेंगी वो कुछ शर्टों, आप देखना जैसे मान लो नंबर ऑफ शर्ट 100 बन रही है, तो जो 50 शर्ट्स हैं वो तो कहाँ पर, आपके एमपी में ही बिक रही होंगी, सीधी बात है। इनका जो भी टैक्स है वो एमपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में क्या हो रहा है, बट रहा है। लेकिन यदि मान लो यहाँ से बची 50 शर्ट कहाँ पहुँचाई गई, मान लो 20 शर्ट यहाँ पहुँचाई गई, कहाँ पर, राजस्थान में 20 कहाँ पहुँच गई, यूपी में, और बाकी बची 5 कहाँ, सॉरी 10 छत्तीसगढ़ में। तो जैसे ही बिजनेस इंटर स्टेट हो जाएगा, बात सुनना ध्यान से, जैसे ही बिजनेस क्या होगा इंटर, यानी कि दूसरा स्टेट चेंज हो गया, तो फिर वहां पर एसजीएसटी हो जाएगा क्या, गायब। वहां पर क्या आ जाएगा पिक्चर में, फिर आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी, कौन आ जाएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इंटीग्रेटेड जीएसटी जो होता है ना, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, कैसा होता है ये, हालांकि पूरा जीएसटी उसी बेस्ड होता है, लेकिन ये होता है क्या, डेस्टिनेशन बेस्ड, मतलब कि अपनी अंतिम मंजिल कौन है, अंतिम मंजिल राजस्थान है ना, अंतिम मंजिल कौन है, यूपी है, अंतिम मंजिल छत्तीसगढ़ है, इसी टाइप से। अभी रुको, क्लास लेट शुरू हुई थी, क्या कह रहे हो, वही तो अपन देखने जा रहे हैं कि एमपी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, है ना, बाबा जी को ठुल्लू मिलेगा क्या, तंबूरा मिलेगा क्या मिलेगा, वो अपन देखने जा रहे हैं। अब देखो 50 शर्ट जो एमपी में घूम रही थी, इनका एसजीएसटी तो इनको मिली गया एमपी वालों को, लेकिन बाकी की जो 50 शर्ट, जैसे 20 राजस्थान में गई, 20 यूपी में गई और 10 कहां पर गई, छत्तीसगढ़ में गई, है ना, यहां पर क्या गया, आईजीएसटी, क्योंकि मेन पिताजी कौन है, यहां बैठे हैं कहां पर, दिल्ली में, इन्होंने बोला
कि भाई जो ये टैक्स है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, आपने जो 50 शर्ट्स इन अलग अलग राज्यों में पहुंचाई है उसका जो टैक्स बनेगा, मतलब जो 10% डिसाइड किया गया उसमें 5% मैं तो रख ही लूंगा अपनी जेब में, बाकी बचा 5% आपको नहीं मिलेगा, वो यहाँ की गवर्नमेंट को दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना जो स्टेट की गवर्नमेंट है इन्होंने अपनी फिस्कल पावर सरेंडर कर रखी है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, है ना, तो फिर ये क्या देखें मुंह देखते नहीं रह जाएंगे कि यार हमारे साथ उन्होंने बेईमानी कर दी। लेकिन वो चीज़ होना ज़रूरी है, इससे क्या होगा जो आपका पूरा का पूरा देश है यहाँ पर क्या है फिर इक्विवेलेंस आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है देखो यहाँ पर तो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट आ चुका है ना, एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, बाकी आप सामान तो इतना बना रहे हो कि आप उसमें जो आधा बेच रहे हो उसका तो आपको टैक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बाकी किसका ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, इनका भी विकास होना जरूरी है कि नहीं है, क्योंकि मोटिव क्या है सबका साथ सबका विकास। ये चीज़ बात समझ में आ गई, ये मैंने आपको थोड़ा ईजी तरीके से बताया बस और कुछ नहीं है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हम लोग IGST। अब देखो ये मैंने ओल्ड सिस्टम और एक न्यू सिस्टम बताया, ये अपने पुराना टाइम था जब टैक्स ऐसे लगता था और ये नया सिस्टम हमारा कौन सा है GST वाला है, अब टैक्स लगता है ऐसे, क्योंकि गवर्नमेंट को ये दिख रहा था कि जो पुराना सिस्टम हम फॉलो कर रहे थे उससे जो अंत में जो प्रोडक्ट था वो क्या हो जाता था बहुत ही महंगा हो जाता था, और GST के आने से वो क्या होगा थोड़ा सा सस्ता हो गया। कैसे होगा हम समझ लेते हैं यहाँ पर, अब मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ, देखना पुराना सिस्टम क्या बोल रहा है। मैन्युफैक्चरर जो है, मान लो आप देखना एक कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर है वो रॉ मटेरियल कितने रुपए का लाया, 100 रुपए का, जिसमें ऑलरेडी क्या 10% टैक्स लगा हुआ था पहले से, ठीक है ना, 100 रुपए का उसको पड़ा। मान लो वो कपड़ा लेकर आया 100 रुपए का जिसमें टैक्स लग चुका था 10% का, उस कपड़े में उसने वैल्यू एडिशन करके क्या बना दिया, शर्ट बना दिया, तो उस मान लो 30 रुपए जुड़े, कितने रुपए जुड़े 30, क्योंकि देखो शर्ट बनाएगा ना कपड़े से उसका अपना खर्चा होगा कि नहीं होगा, वो 30 उसने यहाँ पे जोड़ दिया और टोटल जो कॉस्ट प्राइस बनी कितनी बनकर आई फिर 130। ये किसने बनाया, मैन्युफैक्चरर ने बनाया। अब इस मैन्युफैक्चरर के पास में कौन आएगा, होलसेलर शर्ट खरीदने के लिए आएगा, तो सीधी बात है ये इसको 130 में तो नहीं देगा ना, क्योंकि उसको पता है कि इस 130 में सरकार अभी मेरे से क्या लेने वाली, 10% का टैक्स लेने वाली, क्या लेने वाली मेरे से 10% का टैक्स, एट द रेट लिख रहा हूं मैं, एट द रेट 10% का टैक्स मुझसे लेने वाली है, तो ये टैक्स मैं थोड़ी करूंगा अपनी जेब से, ये मैं किससे वसूल करूंगा जो मुझसे खरीदने का उससे। तो होलसेलर से इसने क्या बोला कि भैया विद द 10% टैक्स ये जो 13 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो यहां जुड़ेंगे और ये कितने को जाएगा फिर 143 का, तो ये होलसेलर कितने में देगा 143 में देगा, कितने में 143 में। अब ये होलसेलर के पास पहुंचेगा कपड़ा, ये होलसेलर किसको बेचेगा, प्रॉफिट इसी में इंक्लूड होगा ना, वैल्यू एडिशन में इसी में इंक्लूड होगा प्रॉफिट, ये तो यहाँ पे टैक्स वाली बात आ रही है बस। अब मैंने आपसे बोला ना कि उसके उसमें मत जाओ, बाल की खाल में मत जाओ, उसके बाल की खाल में जाओ फिर इकोनॉमिक्स चालू हो जाएगी यहाँ पर, आपको ऊपर ऊपर में समझना है, ठीक है। ये 143 का हो गया कॉस्ट प्राइस की। अब ये होलसेलर से इसने अपना कैसे मार्जिन कितना बना लिया, मान लो 30, मतलब ये बोलेगा कि मैंने जो 143 में आइटम किससे खरीदा, इस होलसेलर से खरीदा है, इसमें अपना 30 जो है ना जोड़ने वाला हूं क्या अपना प्रॉफिट का मार्जिन, तो टोटल कितना होगा 143 और 30 173। अब सीधी बात है होलसेलर से सामान खरीदने कौन आएगा, ये रिटेलर है ना, तो ये 173 में तो नहीं बेचेगा ना, सीधी बात है जो 173 से डिसाइड करा है उस पर क्या टैक्स लग रहा है, एट द रेट 10%, यानी कि 17.3 यहां पे आके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो ये टोटल फिर कितना हो जाएगा, फिर 173 प्लस 17.3 कितना हो गया 190.3 लिखा कि नहीं लिखा यहां पर, ये इतने में किसको देगा, रिटेलर को देगा। फिर इसी रिटेलर के पास कौन पहुंचेंगे, हम लोग पहुंचेंगे कंज्यूमर या कस्टमर, ये इसमें और इसी प्रकार से अपना मार्जिन जोड़ देगा और अपना टैक्स का पैसा हमारी जेब से निकालेगा। तो आप देखो यहां पे कितना महंगा पड़ गया, ये पहले ये सिस्टम चलता था टैक्स ऑन टैक्स, यानी टैक्स का रिपीट हो जाता था, इस चक्कर में जो आइटम था फाइनली आके महंगा हो जाता था। अब देखो जीएसटी में ये चीज क्या हो गई, आप देखना यहां पर मैन्युफैक्चरर ये रॉ मटेरियल आया कितने में, 100 में, जिसमें का 10% जो टैक्स है इंक्लूडेड है पहले से, ठीक है। इसने मान लो अपनी वैल्यू लगा दी 30 की, है ना, कॉस्ट प्राइस कितनी बन गई 130। अब ये आगे जिसको बेचने जाएगा तो सीधी बात है वहां पर क्या है, एट द रेट 10% टैक्स लग तो रहा है, लेकिन जो पहले 10 रुपीज भर दिया गया था ना यहां पर लाते में, वो यहां पर डिडक्ट हो जाएगा, तो टैक्स कितना रह गया केवल 3, मतलब जो यहां पर 13 लग रहा था वो यहां पर कितना रह गया 3 रह गया, तो फिर जो कॉस्ट प्राइस बनी कितनी बनी, अब इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ेगा क्या 30 का, ये कितना होगा 163, यहां पर लगेगा अपना जो रेट चलता रहा 10% वाला 16.3 जुड़ के। तो आप देखो ये था 190 और ये था कितना 166, कम हो गया कि नहीं हो गया, मतलब आप देखो गवर्नमेंट यदि जीएसटी लेकर आई तो गवर्नमेंट का मोटिव सही है कि गलत है, अगर आप इस चीज को देख के समझ पा रहे हो तो,
सही है ना, यानी जीएसटी सही चीज है, इससे वाकई में देश का भला होगा, ये बात हमें अच्छे से पता है। बस बात है क्रेडिट लेने की, क्रेडिट कौन लेना चाह रहा है। अगर मान लो यूपीए गवर्नमेंट वापस से उसमें आती पावर में तो वो उसका क्रेडिट लेती, लेकिन पावर में कौन आ गया, एनडीए, तो उन्होंने इसका क्रेडिट ले लिया, तो वो नॉर्मल बात है, हर कोई लेना चाहता। अगर मान लो मैं भी होता तो मैं भी इसका क्रेडिट लेता, है ना, मैं ये बोलता कि बेकार है, फलाना डिमका है, लेकिन जैसे ही पावर में आता मैं सबसे पहले जीएसटी लागू करता। ठीक है, एक आखिरी चीज और यहाँ पर क्या, वो है अपनी जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का जो फॉर्मेशन है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, किस आर्टिकल के तहत होता है, 279A4, क्योंकि जीएसटी किसके तहत आया था, 279A1 के तहत आया था, और ये 4 के तहत, इसका ये पूरा का पूरा सिस्टम है। यहाँ पे कौन आएगा, फाइनेंस मिनिस्टर अपनी निर्मला सीतारमन, इनके अंडर में कौन है, यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ठीक है, और कौन है, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे हमारे एमपी के कोई फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो यहाँ पर आएंगे, और जीएसटी के सेक्रेटरी इस समय कौन है, विवेक कुमार जौहरी है शायद, जहाँ तक जीएसटी के सेक्रेटरी, चेक कर लेना आप लोग, है ना। और ये चेयरपर्सन कहाँ का, सीबीईसी का, क्योंकि हमने पीछे क्या देखा था, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वहां पे सीबीडीटी वाला चेयरपर्सन नहीं, वहां पे सीबीईसी वाला चेयरपर्सन क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। यही सब लोग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जीएसटी काउंसिल बनाते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। ठीक है, ये चीज, हाँ, रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं ना, वो अपने पीछे देखो आईआरएस लेवल के रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, देखे अपन पीछे, अरे मैंने तुमसे क्या बोला, अपन ऊपर ऊपर इन द फॉर्म ऑफ न्यूज पढ़ रहे हैं भाई, अपन उसको इकोनॉमिक्स के पर्पस से देख नहीं रहे ना, ताकि आपको जीएसटी की जो कहानी है वो ऊपर ब्रॉड वे में थोड़ी क्लियर हो जाए, बस और कुछ नहीं, ऊपर ऊपर क्लियर हो जाए। अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो जीएसटी के बारे में बात देखी, थोड़ी समझ में आई कि नहीं आई, क्यों शरद, समझ में आई कि नहीं, काफी हद तक, है ना, वो तो डिटेल में और आएगा कहाँ पर, इकोनॉमिक्स में, लेकिन यहाँ पर ऊपर ऊपर आपको पता तो पड़ेगा जीएसटी बोल क्या रहा है आपसे, बस ये चीज। ठीक है, ये एक व्यक्ति और है यहाँ पर महान व्यक्ति, ठीक है ना, मेरे ख्याल से ये तो विलुप्ति हो चुके हैं, IUCN की शायद रेड लिस्ट में आ चुके हैं ये, है ना, लाल सूची में आ चुके हैं IUCN की, है ना। तो ये जीएसटी क्या बोलते हैं, गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गब्बर सिंह टैक्स। आने वाले टाइम में जब जीएसटी को लेके कोई और नई न्यूज पेपर में आएगी ना, तो हम वहां पर क्या ईवे बिल को लेके ही बात करेंगे, ईवे बिल इसको लेके हम चर्चा करने वाले, और जीएसटी को रिपीट करेंगे बार बार, और थोड़ा बाल की खाल में अंदर जाएंगे और क्लियर करेंगे एग्जांपल के साथ में, और ये ईवी बिल की चर्चा करेंगे, ये धीरे धीरे करके आपके सामने आता जाएगा, है ना। और यहां हमारी बात होती है क्या, समाप्त। ओके, थैंक यू वेरी मच।